हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सूर्य नगरी का सपना साकार, बनेगी अंडरग्राउंड और डबल डेकर एलिवेटेड रोड। केंद्र मंत्री शेखावत के प्रयास लाए रंग। केंद्र मंत्री गडकरी ने की 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट की घोषणा। स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का प्रयास रंग लाया। गुरुवार को सूर्य नगरी को एलिवेटेड रोड की सौगात मिल गई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस आशय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश के श्रेष्ठ डिजाइनर से एलिवेटेड रोड का डिजाइन बनवाया जाएगा और ये रोड अंडरग्राउंड और डबल डेकर होगी, जिससे 50 साल तक शहर के ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाएगी। जोधपुर भाजपा मीडिया विभाग के अचल सिंह मेड़तिया ने बताया कि राजस्थान की समृद्धि को समर्पित 1127 किलोमीटर लंबी 18 हाईवे जोधपुर परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में गडकरी ने कहा, जोधपुर एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को मैंने मंजूर किया है। इस प्रोजेक्ट पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड बनाने के दौरान बिजली और पानी की लाइन शिफ्टिंग में भी 250 करोड़ का खर्च आएगा। मुझे मेरे सचिव ने फाइल देकर कहा है कि इस यूटिलिटी शिफ्टिंग का खर्च राज्य सरकार को वहन करना होगा, लेकिन मैं राज्य सरकार की परिस्थितियों को जानता हूँ। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूँगा कि आप स्टील और सीमेंट पर GST और मटेरियल पर लगने वाली रॉयल्टी को छोड़ देंगे तो हम यूटिलिटी शिफ्टिंग के 250 करोड़ नहीं मांगेंगे। इससे आपका समाधान भी निकल जाएगा और 250 करोड़ का दबाव भी नहीं आएगा। गडकरी ने कहा कि आप जब भी आएंगे इस पर चर्चा होगी, इसका मार्ग हम निकालेंगे। कार्यक्रम में केंद्र मंत्री शेखावत ने एलिवेटेड रोड की सौगात देने पर केंद्र मंत्री नितिन गडकरी का जोधपुर के लोगों की तरफ से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जोधपुर में ट्रैफिक का दबाव बहुत अधिक है। उस दबाव के कारण जब मैंने अपने से निवेदन किया कि जोधपुर में एक रिंग रोड बननी चाहिए, आपने एक क्षण भी गवाए बिना जोधपुर को 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिंग रोड की सौगात दी, जो आगे आने वाले 6 महीने में पूरी हो जाएगी। केंद्र मंत्री गडकरी का आभार जताते हुए शेखावत ने कहा कि राजस्थान में आपके नेतृत्व में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। राजस्थान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं। रेलवे का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी राजस्थान से होकर गुजरना है। आने वाले समय में राजस्थान देश के औद्योगिक नक्शे पर प्रमुखता से अंकित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना है। राजस्थान समेत देश के दूसरे प्रांत आपके द्वारा बनाए गए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण उस सपने को सच करने में कामयाब होंगे। भारत आत्मनिर्भर जब बनेगा, तब इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वर्ण अक्षरों से नाम अंकित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से भी अभिनंदन। शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मैं एक ही क्षेत्र से आते हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। शहर को मिलेगी राहत। जोधपुर शहर से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमश NH-62 नागौर जोधपुर पाली, NH-25 बाड़मेर जोधपुर बर और NH-125 जैसलमेर पोखरण जोधपुर गुजरते हैं। तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग के शहर के बीच से गुजरने के कारण जोधपुर की हार्ट लाइन मंडोर पावटा सोचती गेट अखिलिया चौराहा पर यातायात का दबाव बना रहता है। शहर में इस हार्ट लाइन के अतिरिक्त ऐसी कोई वैकल्पनिक रोड नहीं है जिससे यातायात सुगम हो सके। 9.6 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड बनने से सूर्य नगरी के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।